दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक झटपट से बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि घर में रखे कुछ ही सामान से इजीली बन जाती है। जब भी आपका आइसक्रीम खाने का मन हो तो आप इसको जरूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज्यादा इजी और क्विक ये बनने वाली आइसक्रीम है, तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करिएगा ताकि जब भी मेरी नई नई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस यम्मी सी आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है आधा लीटर दूध। यहाँ पर आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, मैंने आंचल कंपनी का दूध लिया है। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, आप भी कच्चा दूध लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से उबला हुआ दूध है तो आप उसे मत लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसको उबलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ और इसका उबलने का वेट करते हैं। और ये देखिए, दूध अच्छे से उबल चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को भी लो करते हैं। और इसमें मैं डाल ली हूँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा जो आइसक्रीम बनने वाली है वो और भी ज्यादा यम्मी बनेगी, तो आप इसे जरूर डालिएगा। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाली है। फिर मैं इसे ऐसे विस्कर से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने, क्योंकि अगर हम मिल्क पाउडर को डालते हैं ऐसे दूध में तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें गुठलियां बन जाती है। तो यहाँ पर मैं विस्कर यूज कर रही हूँ इसको मिक्स करने के लिए। बस थोड़ा सा घुमाना है, ज्यादा देर नहीं करनी है। उसके बाद मैं इसमें डाल ली हूँ टेस्ट के लिए चीनी। अब चीनी आपने यहाँ पर ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है, जो हमारे घर में चम्मच होती है स्टील की, उसी से मैंने डाला है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो थोड़ा सा घुल जाए और मिक्स हो जाए। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है। यहाँ पर जो मैं दूध ले रही हूँ वो पहले से उबला हुआ नॉर्मल दूध है। आप चाहें तो ठंडा दूध भी ले सकते हैं, बट आपने यहाँ पर गर्म दूध नहीं लेना है। और इसमें डालना है 1 चम्मच अरारोट। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप इसकी जगह पर कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अरारोट डालने से क्या होगा कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, यानी कि जो आइसक्रीम है वो अच्छे से हमारी जमेगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मैंने इसे मिक्स करके साइड में रख लिया है। अभी दूध हमारा उबल चुका है और चीनी भी अच्छे से पिघल गई है। तो अब जो हमने इसको बनाया था अब हम इसे डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में सारे नहीं डालेंगे क्योंकि ना ये नीचे बैठने लग जाता है आसानी से। तो हमने जैसे जैसे इसको डालेंगे वैसे वैसे ही हमने मिक्स करना है, वहां पर बिल्कुल भी हमने छोड़ना नहीं है। फटाफट से हम उसे मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करके उसे डालते रहेंगे। अब मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया है और ये थोड़ा सा पहले से गाढ़ा भी हो गया है। अरारोट डालने के बाद इसमें गाढ़ापन आ जाता है, और अरारोट डालने के बाद मैंने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाया है, हाई फ्लेम में ही पकाया है ताकि ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाए। जितना गाढ़ा ये होगा उतनी ज्यादा हमारी टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। तो बस मैं अब इसे इतना ही पकाऊंगी। दूध भी हमारा अच्छे से पक भी चुका है, येलो येलो कलर भी आ गया है इसमें। और जो कढ़ाई में साइड में मलाई लगती है ना, उसे भी हमने निकालते रहना है और दूध में ही मिक्स करते रहना है, इससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पूरे 10 मिनट बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं ऐसे ही रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और ये देखो, अब ये ठंडा भी हो चुका है और इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी लगी हुई थी, और ये अपने आप पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी ताकि जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो फ्लो है वो पतला ही रहे। आइसक्रीम को जमाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आइसक्रीम मोल्ड। ये जो आइसक्रीम मोल्ड्स हैं ये चॉकोबार आइसक्रीम मोल्ड्स हैं। तो आप चाहें तो कोई और आइसक्रीम मोल्ड्स जैसे कुल्फी वगैरह के भी मोल्ड्स ले सकते हैं। और अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स नहीं है तो आप इन्हें जो घर के ग्लास होते हैं उनमें भी जमा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक के ग्लास मार्केट में मिलते हैं आप उनमें भी जमा सकते हैं, उससे बड़ी इजीली डीमोल्ड भी हो जाता है। मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए हैं जिससे अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप उनमें भी जमा सकते हैं। मैं इसको आइसक्रीम मोल्ड में ट्रांसफर कर लूंगी, सारे को अच्छे से फिल कर लूंगी ऊपर तक। जब तक ये फिल हो रहे हैं आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखो, मैंने अच्छे से इनको फिल कर लिया है। अब जो इनके ऊपर से ढक्कन आया था ना, इनको मैं इसमें लगा लेती हूँ। चाहे तो इसके ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसके साथ इसकी स्टिक्स आई थी, बट मैं आज इसकी स्टिक यूज नहीं कर रही हूँ, मैं वुडन स्टिक यूज कर रही हूँ। अब मैं इसे पूरे 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो बढ़िया से जम जाए। 8 घंटे बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारी आइसक्रीम है वो बढ़िया से सेट भी हो चुकी है और बढ़िया करके जम भी चुकी है। तो फटाफट से इसका जो ऊपर का ढक्कन है इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसका ऊपर का ढक्कन तो निकाल लिया है, बट हम जब इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अभी नहीं निकलेंगे क्योंकि हमें सीधे फ्रिज से निकाले। तो आप थोड़ा सा वेट करिए फिर आप इसको निकालिए। तो जैसे देख सकते हैं थोड़ी सी आइसक्रीम पिघल भी चुकी है, और अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ तो आराम से ये डीमोल्ड भी हो रही है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये निकल के आई है। थोड़ी सी स्टिक जो है वो टेढ़ी हो गई है, अगर मैं एल्युमिनियम फॉइल लगाती तो उससे सीधी स्टिक्स जाती, बट कोई नहीं, हमारी आइसक्रीम आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डीमोल्ड हुई है। फटाफट से मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में ये आइसक्रीम फटाफट से पिघलने लग गई है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है कि कम मैं इसको खाऊं, फटाफट से फिनिश करूं। गर्मी से देख सकते हो कितनी इधर उधर हो रही है ये। तो अब मैंने इसको ऐसे रखा है, मेरे को थोड़ा खाली खाली रख रहा था तो मैंने इसके ऊपर से चॉकलेट सिरप डाला था, जिससे इसका टेस्ट ना और भी ज्यादा अमेजिंग आ रहा। हमेशा ही मैं कुछ ऐसा नया नया ट्राई करती रहती हूँ। अगर आपको भी ऐसी चीजें देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एक बार आप आइसक्रीम को देखो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना चॉकलेट सिरप डालने के बाद, साथ ही साथ आप देखो कितनी ज्यादा ये मेल्टेड हो रही है, कितनी ज्यादा ये क्रीमी बन रही है और इतनी ज्यादा गर्मी से इतनी ज्यादा मेल्ट भी हो रही है। फटाफट से आप नीचे प्लेट में देख सकते हैं बहुत ज्यादा मेल्ट हो रही है। आपको आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है आपको पता है आपको इस वीडियो पर क्या करना है, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको नई रेसिपी कौन सी चाहिए। मैंने ऐसी बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो बाय बाय।